इसी प्रथा को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं और तन मन धन हृदय से माता नहीं इस समय कांड बहुत ज्यादा हो रहे हैं कांड बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्यों भाई आप तो महमूदाबाद में मौजूद हैं संकटा धाम मंदिर में जहां पे आज नवरात्रि का पावन त्यौहार शुरू हो गया है और 9 दिनों तक दुर्गा महापूजा होगी और गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि यहां पे दुर्गा जागरण हो रहा है। और यहां पे अगर बात करें इस संकटा धाम मंदिर की तो यहां से जो है सैकड़ों महिलाएँ जो है कलश यात्रा लेकर के निकली हैं और पैदल जो है पहुँच रही हैं और यहाँ पे खाटू श्याम का जो मंदिर है सामने आप देख पा रहे होंगे लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पे दर्शन करने पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए महाकालेश्वर मंदिर का जो है निर्माण भी हो रहा है और संकटा मंदिर था लेकिन संकटा मंदिर से संकटा धाम बन चुका है कि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे अलग अलग जो है बहुत ही अच्छी सजावट की गई है क्योंकि इस समय जो नवरात्रि का पावन त्यौहार है 9 दिनों तक जो है मंदिरों में जो है बहुत भजन और इस तरीके से महिलाएँ जो है पूजा अर्चना करने पहुँचे। मंजू बंसवार जी जो कि समाजवादी पार्टी की महिला सचिव हैं और हम बातचीत करेंगे कि ये जो नवरात्रि का त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है लेकिन क्या कुछ प्रोग्राम्स कुछ खास किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत है इस क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले हैं हम लोग और हिंदू हैं और सनातन धर्म हमारा इतना बड़ा धर्म जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं और हमारे पूर्वजों ने जो प्रथा शुरू की है हम उसी प्रथा को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं और तन मन धन हृदय से माता जी का जब भी नवरात्र आती है या मंदिर आते हैं स्वागत करते हैं उनको प्रार्थना और वंदन करते हैं। कितने परसेंट विश्वास करती है? मैं तो 100 से ज़्यादा ही करती हूँ शायद 100 से ज़्यादा करती हूँ भगवान पे भरोसा ईश्वर है। अगर ऐसी इतनी बड़ी शक्ति ना होती तो इतना सारा दुनिया भर का सब झमेला है जो दुनिया है ईश्वर के बिना नहीं चलती तो ईश्वर है मैं मानती हूँ शक्ति है मैं मानती हूँ मैं 100% मानती हूँ कि माँ है। राजनीत में है और अपने धर्म को भी मानती हैं तो कैसे इतनी सारी चीजें अपने कितना विश्वास करती हैं हर चीज पे? देखिए राजनीत अपनी अलग चीज है समाज सेवा करना एक अलग विषय है और मंदिर पूजा और प्रार्थना एक अलग विषय है ये तो अपनी अपनी रुचि पे है। बहुत सारे लोग मंदिर का गेट भी नहीं जानते हैं कि किधर को है नहीं मानते नास्तिक है लेकिन हम भगवान की पूजा भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं और करते रहेंगे। महिलाओं के लिए आप संघर्ष करती हैं और जिस तरीके से अगर देखा जाए एक सवाल है कि महमूदाबाद में खास करके बहुत ही ज़्यादा राजनीति क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो विधायक भी महमूदाबाद और चेयरमैन भी यहीं पे और आदर्श नगर पालिका कही जाती है लेकिन ये जो रामकुंड चौराहे से जो इतना जर्जर रास्ता है इसके लिए आपने कभी सोचा कि सैकड़ों महिलाएँ निकलती हैं कलश यात्रा लेकर के इसके बारे में कभी आपने आवाज़ उठाई? जी मैंने इससे पहले जब वो थे क्या बोलते हैं ममता सोनी जी थी उस टाइम भी ये बात हुई थी कि ये जो रोड गई है रामकुंडा से मैं आसंगा मंदिर अमीरगंज तक इस रोड को अच्छा बनाएंगे ये बात हुई थी शायद ये रिपेयर भी हुई थी। और इस टाइम तो नगर पालिका का वो बदहाल है पार्टी में रह करके कि बगावत नहीं करनी चाहिए लेकिन जो सच है उसे कहने में हम कभी डरते नहीं है। मंदिर पे है और सच बोलना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा इतना सच कहने से हम डरते नहीं है। जो नगर पालिका की बदहाल व्यवस्था है कि चाहे कोई भी फेस्टिवल हिंदू का हो अगर मुस्लिम का है तो उनको समझ में आता है कि चूना डलवा दें ये करवा दें वो करवा दें और हिंदू का कोई फेस्टिवल में कभी कोई चूना नहीं कभी किसी के दरवाजे कहीं रोड पे कोई झाड़ू नहीं लगती केवल हम देखते हैं बस स्टाफ से लगा करके वही रोड जो परमानेंट चलती है उस पर झाड़ू लगते हुए मैंने देखा। लड़की की पूजा करते हैं नव दुर्गा बना करके लेकिन उसी के साथ जब इस तरीके से ऐसे मामले आते हैं कांड होते हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में तो घोर भर्सना करती हूँ सबसे पहले तो इस बात की कि देखिए माँ दुर्गा अलग हैं और माँ दुर्गा के रूप में हम कन्या को भी पूजते हैं लेकिन जिन लोगों ने ये सोच के जिन इनके मन में ख्याल आते हैं घटिया तरीके से जो लोग करते हैं उनको तो उनके लिए तो मैं तो कहती हूँ माँ से हे माँ सच्चाई अगर तेरे अंदर है तो उनको ऐसी सजा दो कि शायद जितने परसेंट से मैं ये कह रही हूँ कि मुझे भरोसा है उतने परसेंट ही उनको सजा दो जो ऐसे ही 11 साल की बच्ची के साथ 10 साल की बच्ची के साथ 8 साल की बच्ची के साथ लोग बलात्कार और चीज़ें कर रहे हैं।
और मैं तो माँ से प्रार्थना करती हूँ, मैं माँ को बहुत मानती हूँ। एक माँ माँ को मानती है और माँ ने बहुत कुछ दे रखा है मुझे, एक बेटा एक बेटी सारी चीज़ें दे रखी हैं। सब अपने अपने कामों से लगे हुए हैं। 9 दिन तक मैं उपवास रखेंगे। हाँ, मैं 9 दिन का व्रत रखूंगी, अखंड ज्योति जलाती हूँ माँ की, और मैं माँ के दर्शन करने आई थी और जा करके अब मैं अखंड ज्योति घर में जलाऊंगी। डेली आना होता है मंदिर? नहीं, मैं तो 3 साल परमानेंट आई। उस वक्त मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, मैंने माँ से बोला कि माँ 5 साल हो रहे हैं इनको पड़े हुए और मैं आपका दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हैं। माँ की कृपा हुई, वो परमानेंट क्लिनिक से घर आने जाने लगे, तो मेरे लिए माँ से पढ़ के कोई और नहीं हो सकता। तो मानते हैं, लेकिन उसी कन्या के साथ 16 साल 17 साल 11 वर्ष 12 वर्ष 8 वर्ष तक की लड़कियों के साथ जिस तरीके से इसकी घटनाएं होती हैं, अब सोचिए कि 9 दिन तक तो उस देवी मानते हैं, लेकिन ऐसा कृत्य करने वाले अगर 9 दिन के बाद भी अगर उसे देवी का रूप माने तो अपने घर की बेटी तो सुरक्षित होगी और दूसरे की बेटी भी सुरक्षित होगी। जनपद सीतापुर में ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं कि लड़कियां 16 साल की होती नहीं है, उनके माँ बाप सोचने लगते हैं कि हम बेटियों को कहाँ पर भेजें और कैसे उन्हें हम शिक्षा उचित दिलाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम उन माँ बाप से कहना चाहते हैं, मेरा निवेदन है कि अपनी बच्ची को अपने से जोड़ के रखें और अपना दोस्त बना के रखें, चाहे बच्ची जब से समझदार होना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि 8, कक्षा 8, 7 में पढ़ने वाली बच्ची धीरे धीरे समझने लगती है। उस बच्चे को अपने दामन से जोड़ के रखें, हर उस माँ का फर्ज, यहाँ पे बताओ माएँ खड़ी हुई हैं, मैं खुद एक माँ हूँ, बच्ची को दोस्त बना के रखिए। बच्ची को घर से बाहर कैसे निकलना है और किस परिवेश में किस वेशभूषा में निकलना है, ये सब हमको स्वयं समझाना होगा अपने बच्चे को। और समाज में तो दरिंदे हैं ही, वो तो उनका काम यही है दरिंदगी करना, उनकी सोच यही है घटिया के तरीके से। तो ऐसा नहीं है, अगर हम बेटी को समझा बुझा के बाहर भेजेंगे तो हम सुरक्षित हैं। हम जानते हैं कि हम 1 बजे 2 बजे कभी भी सड़कों पर चले आते हैं, लेकिन मेरे साथ आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई मुझे इस तरीके का नहीं मिला। लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं और जगहों तक के लिए मैं निवेदन करूंगी माँ संग्रहालय धाम में कि अगर हम अपनी बेटी को समझा बुझा करके अपने परिवेश में अपनी वेशभूषा में रखेंगे तो हमारी बेटी सुरक्षित और विकसित और सामाजिक हर चीज को समझेगी और वो सुरक्षित रहेगी। जब वो अपने अधिकारों को समझ पालती हैं, उसी तरीके से जब तक बच्चा 11, 12, 13 साल का रहता है उसको समझाएं, और माहौल घर से ही बिगड़ता है। तो वही मैंने संक्षेप में सारी चीजें कह दी। इस विषय पे हमारी बहुत ज्यादा भरोसा है। महिलाएं सुरक्षित है इस समय? तो नहीं सुरक्षित है, पहले थी। नहीं है? हाँ। तो भगवान पे भरोसा है, तो भगवान पे भरोसा रखिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं, इस समय कांड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों भाई, आप तो पुरुष हैं, आपसे भी सवाल कर लेते हैं। हाँ, बताइए। इस तरीके से अभी का इस समय का अगर माहौल देखा जाए, कहीं ना कहीं जो है अपनी बहन बेटियों को निकलने में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित है, अगर सामाजिक तौर से अगर वो खुद अपना वेशभूषा सही रखें तो सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार भी ऐसी है कि कोई भी अपराध करने से पहले रोका जाता है। भगवान पे कितना भरोसा है? भगवान पूरा 100% भरोसा है। 100%? हाँ, वो उनके सहारे जीवन चल रहा है। इसे तो बहन जाति हम मोचकला से नहीं आए हुए हैं, यहाँ से नहीं माने, चलो दूर दूर से यहाँ पे आते हैं संकटा धाम में और दर्शन करने यहाँ माता रानी के। लेकिन जो है हमारा यहाँ पे एक उद्देश्य था कि जिस तरीके से 9 दुर्गा पूजा करते हैं आप, कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं, इसी तरीके से महिलाओं का और अच्छे से नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है, 9 दिन तक इस तरीके से धूमधाम मची रहेगी गली मोहल्ले में, जो है गीतों माता रानी के गीतों से जो है गली मोहल्ले गूंजेंगे। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये संकटा धाम है, जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पे कदम रखता है तो सबसे पहले संकटा धाम में आता है और माता रानी के दर्शन करके